नए नोटों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आज टॉपिक ये है हमारा, इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है। और ये क्वेश्चन जो है बार बार हमारी क्वेश्चन पेपर में आता रहता है, तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की तारीख को भारतीय मुद्रा प्रणाली में एक बदलाव किया था। एक तरफ जहां अमेरिका पॉट गिन रहा था, वहां भारत जो है वो नोट गिन रहा था। संपूर्ण देश को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि 11 नवंबर की रात से भारत में प्रचलित या जमा किए गए 500 और 1000 के जितने भी नोट हैं वे सब इनवैलिड हो जाएंगे, यानी उनकी वैल्यू कागज़ के समान हो जाएगी। लेकिन ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जिनके पास पहले से ही 500 और 1000 के कुछ नोट घर की अलमीरा में पड़े हुए हैं? आगे बताते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आम जनता के पास जितने भी 500 और 1000 के नोट पड़े हैं वे 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंक में जमा करवा सकते हैं, यानी 50 दिन दिए गए थे। जो प्रणाली चेंज हुई थी, बात करते हैं अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं वैसे सरल भाषा में आपको बताऊंगी, लेकिन फिर भी अर्थशास्त्र का विषय है तो थोड़े वर्ड्स ऐसे आ जाएंगे जो अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। ये जो प्रणाली थी इसे डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। डीमोनेटाइजेशन यानी किसी खास मुद्रा का चलन बंद कराने का लक्ष्य क्या होता है किसी अर्थव्यवस्था में, कि वह जमा किए हुए काले धन को प्रायः मृत प्रायः करा देता है। क्या होता है कि मृत प्राय बना देता है काले धन को। इसलिए डीमोनेटाइजेशन जैसे टर्म का यूज किसी अर्थव्यवस्था में किया जाता है। इसलिए ऑफिस में काम करने वाले बड़े बाबू, अक्सर उद्योगपति आदि, जिन्होंने गैर कानूनी रूप से काला धन जमा किया है, उनके लिए 11 नवंबर की तारीख किसी काले दिन से कम नहीं थी। काला धन कमाने वाले ब्लैक मनी को बैंक में नहीं रख सकते, क्योंकि बैंकों के पास उनके काले धन का रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि काला धन कमाने वाले लोग अपना बैंक में पैसा स्विस बैंक में जमा कराते हैं, स्विस बैंक, जहां आरबीआई को डेटा निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए काला धन कमाने वाले घूसखोर गैर कानूनी ढंग से कमाए गए पैसे को घर की टंकी में, बिस्तर के नीचे या घर में अपने कहीं भी ऐसी जगहों पर छुपा कर रखते हैं जहां पर आम इंसान की पहुंच मुश्किल होती है। 2015 में भारत में 4,77,546 करोड़ रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। मोदी के उस डिसीजन से उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जिनके नोट जो थे वो अब कागज़ के समान हो गए थे। इस जो डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी थी इसके मैं मेन पॉइंट्स आपको बता देती हूँ कि क्या क्या निर्णय लिए गए थे। भारत के सभी सिक्के 1, 2, 5, 10, 20 और 50 के नोट जो थे वो चलेंगे। रुपए NIR की इस नई श्रृंखला शुरू हो जाएगी। 500 रुपए के नए नोट आएंगे और 2000 के भी। बैंक 9 नवंबर को बंद किए गए थे। 9 और 10 तारीख को ATM भी बंद किया गया था। कुछ दिनों तक आपने पर डेबिट कार्ड से केवल 2000 रुपए ही निकाले होंगे, बाद में यह सीमा बढ़ाकर 4000 रुपए कर दी गई थी। यदि आपको कैश की ज़रूरत है तो आप बैंक जाकर पुराने 500 और 1000 के नोटों को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, नकद, डिमांड ड्राफ्ट में लेन देन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। दैनिक नकद राशि की सीमा 10,000 रुपये और मासिक निकासी की सीमा 20,000 रुपये तय कर दी गई थी। RBI द्वारा कहा गया था कि 500 और 2000 के नोट जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे। 3 दिनों तक अस्पतालों और 500 और 1000 के नोट स्वीकार किए गए थे। रेलवे और सरकारी बस, एयरलाइन टिकट काउंटर में भी 500 और 1000 के नोट स्वीकार किए जाएंगे, ये कहा गया था।
तत्पश्चात जो हमारा नोट आया था 500 और 1000, इसमें शुरुआती दौर में जनता को काफ़ी दिक्कत आई थी जब ये नोट नया आया था, क्योंकि बैंकों में बहुत भीड़ लगने लगी थी। बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी, लंबी कतारें लगने लगी थी, सब अपना अपना पैसा जमा कराने बैंकों में जब गए या बैंकों से उन्हें एक्सचेंज कराना था, तो क्या हुआ कि RBI जो नए नोट है वो अधिक से अधिक छापेगा, जिससे इन्फ्लेशन भी आ सकता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन होती है मुद्रास्फीति, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास हमारे हाथों में क्रय शक्ति आ जाती है। जब हमारे पास बहुत अधिक मुद्रा छपने लग जाती है हमारे देश में, तो उस सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहते हैं। वैसे RBI 2000 के नोट को रेगुलेट और मॉनिटर करता रहेगा और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर उसकी पैनी नज़र रहेगी। इस प्रकार से हमने ये देखा कि 500 और 2000 के नए नोट आए थे, उनका हमारे अर्थव्यवस्था पर सामान्य प्रभाव क्या हुआ। उसके दूरगामी जो प्रभाव हैं उनकी चर्चा मैं अपने दूसरे वीडियो में करूँगी, जो बाद के प्रभाव हैं। दो तरह के प्रभाव होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हमने ये प्राइमरी प्रभाव जो देखे कि इन्फ्लेशन आ जाएगी, बैंक को नोट अधिक छापने पड़ेंगे, बैंकों में लंबी कतारें लग जाएंगी, तो इस प्रकार